बरसाने में साधु संतों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों ने ऐलान किया है कि वो प्रदीप मिश्रा भागवताचार्य को ब्रज में नहीं घुसने देंगे। मथुरा के बरसाना में साधु संत धर्माचार्य और मंदिर प्रमुखों के सेवायतों के साथ हजारों ब्रजवासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया, जहां पर एमपी के शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुरजोर विरोध किया गया। जहां क्योंकि जिस तरह प्रदीप मिश्रा ब्रज की लाडली श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी किए, उसके बाद यहाँ के सभी लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर और पिछले कई दिनों से लगातार यह ब्रजवासियों द्वारा प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पहले प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया और एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर दी। उसके बाद भी सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा लगातार भगवान राधा कृष्ण को लेकर कथाओं में अनर्गल बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ ब्रजवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे, लेकिन अभी तक नहीं माफी मांगी गई है। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया में किस तरह का कोई माफीनामा उन्होंने शेयर किया, इसको लेकर इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी के दर पर अपनी नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा और उन्हें व्यास गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। इसीलिए वे तय किया गया है कि जो भी तीर्थ मंदिर देवालय है वो सारे प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। वहीं अब यह तय हो गया कि प्रदीप मिश्रा का जीवन का नाश होना है और यहां साधु संत धर्माचार्य कथावाचकों में आक्रोश देखने को मिला। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। सोशल मीडिया में ये नहीं कहेगा कि मेरी मति मानी गई थी, ये शब्द आवश्यक है कि मेरी मति मानी गई थी, इसलिए मैंने श्री जी के चरणों में अपराध किया है। जब तक ये दोनों बातें प्रदीप मिश्रा द्वारा नहीं कही जाएगी, तब तक पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में उनका प्रवेश निषेध किया जाता है। मैं पंचायत तो अपना हाथ उठाकर उसका अनुमोदन कर रही है। ये प्रस्ताव हमारे बरसाना के चेयरमैन भाई क्रांतिकारी पदम सिंह फौजी द्वारा दिया गया। सभी संतों के सामने क्या नाम है और क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? पहले मेरा सभी से अनुरोध है, सभा में आप सभी अपना अपना स्थान पर हैं। हमारे इंडिया के अत्यंत अत्यंत ये निर्णय जो आज भी हो जाएगा हमारी मूल बात में आते हैं। हम लोग हम संपूर्ण भारत वर्ष मूल बात में आते हैं। बिना वक्ताओं से अनुरोध है, बाबूजी बैठ जाए, बाबूजी बैठ जाए। किस तरह के कहाँ के लोग इसमें आए? अरे बाबूजी, संपूर्ण भारत ब्रज मंडल के हैं। ब्रज तीन प्रांतों में पड़ता है, राजस्थान का डीग जिला जिसमें डीग और हरियाणा की महावन रमण रेड्डी कामा अब सुनने नहीं बचाया जाता, क्योंकि पंचायत का निर्णय जो भाषण था क्या बोला है, बोला है रानी कहा की थी, आप बगल में आ जाओ ना। अच्छा, वो भी करना जरूरी है, बगल में जो भी काम जरूरी है जो ये कर रहे हैं हमारे मीडिया के, तो हमारे 5,500 को मंच से बगल में लेके जाना मेरा आग्रह है। मंच पर कोई बात नहीं, हमें निवेदन करूंगा। पैसे का बहुत बड़ा लोभी है, पैसे में बिक जाता है। अगर पैसे लेके आने हमारे ढाबा रानी के लिए ऐसा भाषण बोला है, अनुराग कृष्ण शास्त्री महाराज जी क्या निर्णय दिए गए हैं? बात ऐसी है कि अशास्त्रीय वक्तव्य देने वाले प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने शास्त्री राधा रानी के ऊपर एकदम निंदनीय अशास्त्रीय वक्तव्य दिया, भले ही वो 14 वर्ष पुराना वक्तव्य है जो आज हाईलाइट हुआ, उस वक्तव्य का पता लगने पर जब विरोध किया गया ब्रजवासियों द्वारा, तो उन्होंने धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि मैं प्रामाणिक बात करता हूँ
यानी कि गलती अपराध पाप करने के बाद किसी को कारा नहीं, तब जाकर के हम लोगों ने इसका और ज्यादा विरोध किया और शास्त्रों के प्रमाण भी सामने रखे। जब शास्त्रों के प्रमाण सामने रखे उसके बाद उसने इतना गलत वक्तव्य देकर के ब्रजवासियों को अपशब्द अभद्र शब्द कहे, तो महापंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है कि जब तक झुकेगा नहीं तब तक ब्रज में घुसेगा नहीं, ये निर्णय यहाँ पर लिया गया। और झुकना भी केवल यहाँ पर आकर के नाक रगड़े, माफी मांगे और यह स्वीकारे कि मेरी मति मारी गई, मैंने अशास्त्रीय वक्तव्य दिया है, उसके लिए क्षमा मांगे, तब जाकर के किशोरी जी कृपा करें, तब जाकर के उसे ब्रज में प्रवेश मिल सकता है, नहीं तो ब्रज में प्रवेश संभव नहीं। बस इतना ही कहना।